हेलो एवरीवन, मेरा नाम सह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मुशा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे। पर से सबसे पहले चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। 1,50,000 सब्सक्राइबर हमारे अन करीब, या कोई 7,000 शायद 8,000 हमारे सब्सक्राइबर आ गए हैं। हम इनको बोले ना कंप्लीट कर रहे करते रहे हैं, करते हैं करते हैं। हाँ जो हाँ, जल्दी कर देंगे। हाँ प्लीज भाई, 1,50,000 सब्सक्राइबर करवा दो, दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। 2,00,000 हो जाए। चलो पहले 1.5 लाख तो हो, फिर ही 2 पे जाएंगे ना। पहले ही 2 लाख तो टप के तोड़ जाओ। आज की वीडियो लेकर आए हैं भाई फैन मूवमेंट देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब अपने जो फैंस होते हैं जब उनसे अचानक जाके मिलते हैं तो उनका एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने फैंस को जब सरप्राइज देते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे। पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की वीडियो। पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको अचानक से आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर आकर सरप्राइज कर दे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, इन बच्चों की तरह या फिर इस लड़के की तरह? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया। चलिए शुरू। नंबर 5 पर है इमरान खान। दोस्तों, ये सरप्राइज इमरान खान ने अपने एक यंग फैन अबू बकर को दिया था, जिसमें इमरान खान अपने उस फैन को अपने घर बुलाकर सरप्राइज कर देते हैं और उसके बाद उस लड़के का रिएक्शन बहुत ही इमोशनल होता है। ये कौन है? ये वो जो लकी मरवा चीज है। ओ बस बस बस, इधर 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 तो लोकी बड़ा पसंद था इमरान खान। नहीं मुर्शद, इसको कहते हैं मुर्शद। रोग किस चीज के? शाबाश। हां शाबाश। मैंने कहा मैं शादी बनाया, मैं हैरान हूं। नाइंथ में है लोकी, पागल है। नाइंथ में शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? ये ना फछड़िया लोका। रोने की क्या बात है? और दोस्तों, फिर वो लड़का इमरान खान को एक तोहफा भी देता है और उसके बाद इमरान खान उस लड़की की कमीज पर अपना ऑटोग्राफ भी करते हैं। ऑटोग्राफ चाहिए? ये गिफ्ट है साल पहले आपको पर मैं देखा था, तब मैं आपके लिए। क्या नाम था तुम्हारा? अबू बकर। अबू बकर। अच्छा। बच्चियां वाले दीवाना क्या बात है यार, बंदे में कोई तो बात है जो लोग पागल हैं इसके पीछे। तुमने तुमने इंशाल्लाह बड़े काम कर रहे, बड़े ओके, समझ गए ना? ओके शाबाश। नंबर 4 पर है बाबर आजम। दोस्तों, ये सरप्राइज बाबर आजम ने लाहौर के एक ऑर्फेनेज होम में जाकर कुछ बच्चों को दिया था, जिसमें बाबर आजम पहले तो उन बच्चों को सरप्राइज करते हैं और फिर उनके साथ क्रिकेट भी खेलते हैं और फिर उन्हें अपनी साइन की हुई बॉल्स और शर्ट्स भी देते हैं। नंबर 3 पर है नसीम शाह। दोस्तों, ये सरप्राइज नसीम शाह ने अपनी एक लिटिल फैन गर्ल को दिया था। जब कोयटा के पीएसएल के मैच के बाद नसीम अपने फैंस को मिलने जाते हैं तो वहाँ एक लड़की नसीम शाह को देखकर रो रही होती है, जिस पर नसीम शाह पहले तो उसे चुप करवाते हैं और फिर बाद में उसे मिलकर सरप्राइज भी करते हैं।
नंबर दो पर है शादाब खान और हारिस राऊ। दोस्तों ये सरप्राइज हारिस राऊ, शादाब और नवाज ने कुछ रैंडम्स लोगों को एक होटल में जाकर दिया था, जिसमें वो लोग एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं और फिर उनको ऐसे अचानक होटल में देखकर फैंस का रिएक्शन बहुत ही मजेदार होता है। और नंबर एक पर है शाहीन आफरीदी। दोस्तों ये सरप्राइज शाहीन आफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के एक फैन इवेंट में अपने एक डिसेबल फैन बॉय को दिया था, जिस पर रिपोर्टर उस बॉय से पूछता है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, जिस पर वो डिसेबल लड़का शाहीन का नाम लेता है और शाहीन ये सारी बातें पोस्टर के पीछे से सुन रहे होते हैं और फिर मौका मिलते ही शाहीन उस बच्चे को सरप्राइज कर देते हैं। मैं शाहीन भाई को यही मैसेज दूंगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनसे सिग्नेचर लेना चाहता हूं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं और वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। अगर आपको मिलवा दें तो फिर क्या करेंगे? मिलवा दें तो फिर क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। हेलो। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आज तो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो आपके साथ मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं बॉलिंग कर लूंगा। बॉलिंग कर लूंगा? मुझे तो बॉलिंग से, आपके बॉलिंग से डर नहीं? आप तो माशाल्लाह बैट्समैन भी हैं यार। नहीं, कब से? वो आपकी मैंने बैटिंग देखी थी, पेशावर जलमी अगेंस्ट आपने जो चार छक्के मारे थे तो गलती से लगे। वो अमेजिंग थे। नहीं, गलती से नहीं, वो प्रैक्टिस थी। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आप मेरे बहुत रोल मॉडल हैं। तो आपको तो हम पीएसएल में बुलाएंगे आप दोनों को। इंशाल्लाह मैं आऊंगा, इंशाल्लाह। आप बस मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हूं। दोस्तों फर्ज करो अगर आपके सामने अचानक से कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स दिखाता हूं जिन्होंने अचानक से अपने फैंस को इसी तरह सरप्राइज कर दिया। राजू दास जी, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है आपका? अरे रो क्यों रहे हो, ये तो खुशी की बात है ना। नंबर वन पर है यूसुफ पठान। दोस्तों ये सरप्राइज यूसुफ पठान ने निशान इंडिया के साथ मिलकर दिया था, जिसमें वो सुबह एक ग्राउंड में जाते हैं और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं और पहले तो वो बच्चों के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे उनको क्रिकेट खेलना बिल्कुल ही नहीं आती, पर बाद में वो अपना रियल गेम दिखाते हैं। I want to bat. No, not now. Three balls. Let me play. No, later. देखो, watch me, carefully. पैड लगाओ, पैड। गुड ट्राई। जरा क्यों तंग कर रहे हो हमें, खेलने दो। अरे चलो चलो, शाबाश। तंग कर रहे हो इधर आके। लास्ट थ्री बॉल डाल यार। हेलमेट तो उतारो। नंबर टू पर है रोहित शर्मा। दोस्तों ये सरप्राइज रोहित शर्मा ने अदिदास के साथ मिलकर दिया था, जिसमें अदिदास रोहित शर्मा के कुछ सुपर फैंस को बुलाता है और उनसे कहता है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा के जैसे हिट कर सकते हो या नहीं, और फिर जब वो हेड गियर पहनकर शॉट्स खेल रहे होते हैं तो तब उन्हें रोहित शर्मा सरप्राइज कर देते हैं। Straight drive. Yeah. Okay. Yeah.
One, two, three. Ah, that's perfect. You can take out your... Yeah. Oh my god! You almost played like Rohit. Rohit? You can't even do that. Yes. अरे मैं शिट रोज मुझे नहीं आउंड यार एयरपोर्ट शिट वैसे दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 3 पर है सौरव गंगोली। दोस्तों ये सरप्राइज सौरभ गंगोली ने पिज्जा हट के साथ मिलकर दिया था, जिसमें वो पिज्जा हट के एम्प्लॉय बनकर नेट्स में खेलते हुए प्लेयर्स को देख रहे होते हैं और उनके हर शॉट पर रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, जिस पर रन विजय सौरभ गंगोली से कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें ज्यादा खेलने आता है। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देखिए। आप लोगों को क्या ज्यादा आता है क्रिकेट? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं मैं आपको देख रहा हूँ बहुत टाइम से, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो कि ये ऐसा खेलना है वैसा खेलना है, बच्चे यहाँ पे खेलना है मजा करना है। हम लोग का टाइम हो गया, हो गया सर, शिफ्ट खत्म हो गया, शिफ्ट हो गया, देख रहे हैं मजा ले रहे हैं। इतना कर के तुम कर सकते हो, तुम करो करो। कैलकटा में सब अपने आप को गांगुली समझते हैं। नंबर 4 पर है MS धोनी। दोस्तों ये सरप्राइज कैप्टन कूल ने लेस के साथ मिलकर दिया था, जिसमें वो कुछ लोगों के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके साथ क्रिकेट मैच देखना चाहता हूं, पर मेरी एक शर्त है और वो ये है कि आपके पास लेस चिप्स होना चाहिए। हेलो No, yes. But there's one condition. What is that? It's only if you have lace. Lace? Could be somewhere around. Dhoond lenge, manga lenge. Mil jayega. Aap bhi dhoondiye na hamare saath. Lace to mila nahi. Next time. Bye bye. Number 5 par hai Sachin Tendulkar. दोस्तों ये सरप्राइज सचिन तेंदुलकर ने अपने सबसे बड़े फैन को दिया था, और फिर जब सचिन तेंदुलकर अपने उस फैन से मिलकर उसे सरप्राइज करते हैं तो फिर देखिए वो कितना ज्यादा इमोशनल हो गया। हम अभी अंदर जाने वाले हैं राजू दास से, जो हमारे बहुत बड़े फैन हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मगर एक्साइटमेंट के साथ टेंशन भी बहुत बढ़ रहा है। पता नहीं अंदर जाके कैसे मैं मिलने वाला हूँ उनसे, देखिए क्या होता है अंदर। उनमें मेरे टीचर थे सर, फोन आने के बाद सोनी टीवी से फोन आया, कौन सी तो मैडम ने बोला राजू दास जी क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है आपका? अरे रो क्यों रहे हो, ये तो खुशी की बात है ना। नहीं करे लग जाओ, ये नहीं तो, अरे नहीं 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 ऐसे मत करो। तो दोस्तों ये यार वाकई में हमें जब इंसान को वो चीज शख्स मिल जाए या चीज मिल जाए जिसका इंसान ने कभी सोचा भी ना, इंसान बस मतलब उस चीज को चाहता हो लेकिन वो पा ना सके उसको कभी,
या फिर कुछ ऐसे होते हैं लोग जो जिसके इंसान फैन होता है लेकिन उससे मिलना जरूर चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हमारे हमारे लिए होता कि हम उनसे हमें पर्सनली जाके मिल पाए। लेकिन जब जिंदगी आपको ऐसा सरप्राइज दे दे तो आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये मैं क्या, कोई ख्वाब तो नहीं है, कोई ख्वाब तो नहीं मैं देख रहा। बंदे को कसम से यकीन नहीं आता। और सच में जो क्रिकेटर्स या फिर बॉलीवुड के फैन मतलब जो एक्टर्स हैं या फिर जो भी होते हैं ना, उनको चाहिए कि अपने फैंस को ऐसे सरप्राइज हमें देने ही चाहिए ताकि भाई इंसान खुश हो जाए, खुश हो। सही बात है। और ये चीजें मुझे बड़ी इंप्रेस करती हैं जब क्रिकेटर्स या फिर कोई भी जाके अपने फैंस को इतना ज्यादा, क्योंकि आपके फैंस जो होते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जब आपको आके मिलते हैं ना वो देखते हैं तो आप इतना बढ़ते हैं ना। बिल्कुल, वो दे हम फैन बनेंगे किसी के तो वो उसको कामयाबी मिलेगी, वरना वो उसको कौन जानता, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान ही होता है। हम ही लोग उनको ऊपर उठाते हैं और जब वही लोग हमें आके मिलते हैं तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती, जैसे आप लोगों ने हमें उठाया। सही बात। और इसके अलावा यार सचिन तेंदुलकर को यार इतने लोग पसंद करते हैं, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि लोग हमें उनको इतना मानते हैं, कहते हैं कि उन जैसा क्रिकेटर कोई नहीं है, इतना सच में बड़ा ही लोग उनको। और एक मुझे विराट कोहली यार बहुत, मुझे लगा था कि विराट कोहली की भी कोई वीडियो आएगी लेकिन नहीं, उनकी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन यार मुझे विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मेरा कोई फेवरेट प्लेयर है ना तो वो विराट कोहली ही है। तो अम्मी आपको कौन से प्लेयर पसंद है, मतलब आपने कभी किसी को देखा हो? मुझे सभी पसंद है। सभी पसंद है। हाँ। अम्मी का भाई सभी पसंद है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है प्लीज बताएगा। और हमारे जो थे ना उनमें से मुझे वसीम अकरम जो है ना भाई वो अच्छे लगते हैं, उनका जो बॉलिंग करते हैं ना, ना बहुत अच्छा। हाँ वो बिहेवियर बहुत अच्छा है, इस वजह से मुझे ज्यादा पसंद है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना और अपने फेवरेट क्रिकेटर प्लेयर का नाम जरूर बताइएगा। फिर मिलता है।